नमस्कार दोस्तों, राधे कृष्णा। सावरा सेठ के चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। हरियाली तीज पे मैंने दोस्तों 6 नंबर गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाया है। पहले आप एक कपड़ा ले लेंगे, उसको 4 फोल्ड करके 7.5 इंच पे आप मार्क करके कटिंग कर लेंगे। उसी के अनुसार आप बकरम को लेके कटिंग कर लेंगे और फिर दोनों को सिल लेंगे। देखिए इस प्रकार से। फिर एक नेट लेंगे, नेट को 4 इंच पे लंबाई, 4 इंच चौड़ाई पे मार्क करके इसको भी कटिंग कर लेंगे। इससे हम फ्लावर बनाएंगे। अब फिर एक और कपड़ा लेकर के 3.5 इंच लंबाई और 3.5 इंच चौड़ाई नाप करके इसको भी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से। फिर पहले जो बड़ा कपड़ा है उसको ऐसे मोड़ लेंगे और छोटे कपड़े को फिर लेंगे। छोटे कपड़े को भी देखिए आप इस प्रकार से मोड़ के एक बार ऐसे मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद फिर इस तरीके से करके देखिए, फिर बड़ा कपड़ा जो है उस पर ऐसे मोड़ के इसके ऊपर रखेंगे। थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, फिर इसको किनारे किनारे से मोड़ के आप सिलाई मशीन है तो सिलाई मशीन अगर अभी नहीं है, मतलब अभी यूज नहीं करना चाहते हैं, तो आप सुई धागा से नॉट बना बना के ऐसे बहुत सारे फूल बना लीजिए। ये बहुत सारे फूल रहेंगे, ये किनारे किनारे में लगेंगे ड्रेस के। बनने के बाद आप देखिए एक एक करके पास पास में ही ऐसे सिलाई कर लीजिए। अगर नीचे आपके बड़े छोटे हो रहे हैं, कोई बड़ा हो जा रहा है कोई छोटा, तो नीचे से आप कटिंग कर लेंगे ऐसे, लेकिन सिलाई करने के बाद ही कटिंग करिएगा। देखिए बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा ये। और बीच से भी मैंने कटिंग कर लिया है, मैंने 1.25 इंच पे कटिंग किया है। फिर यहाँ मार्क करके मैं साइड कटिंग कर दूँगी। इस तरीके से फिर एक कपड़ा लेंगे, इसको 5 इंच पे ये फील बनेगा, क्या बोलते हैं, प्लेट्स। और ये इसकी कोई लंबाई नहीं है, आप जितने सारे बनाने बना लीजिए, क्योंकि इसका कोई मेजर नहीं है। और फिर ऐसे चुनट बना लेंगे। ये चुनट आप छोटा छोटा ही बनाइएगा, बहुत बड़ा मत बनाइएगा। बड़ा बनाने से क्या है कि जब हम लगाएंगे तो ये फैल जाएगा, तो आप जहाँ तक हो सके कि छोटा छोटा ही चुनट बनाइएगा। छोटा छोटा चुनट होने से तो पूरा बैठा रहेगा और बहुत सुंदर भी लगता है। देखिए इस प्रकार से। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार चुनट बना लीजिए, उसके बाद फिर आप ड्रेस में जब लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर लुक आएगा। फिर कमर पे जो हमने कटिंग की है 1.5 इंच 1.25 इंच पे, उस पर आप ये धीरे 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 करके घुमाते हुए सिलाई कर लेंगे जो प्लेट से। देखिए इस तरीके से। और देखिए बनने के बाद ये ऐसा दिखेगा। फिर साइड जो मैंने कटिंग की है उसको भी सिलाई कर लेंगे। और ये तिरछी पट्टी काट के ड्रेस को उल्टा करके इस साइड से पूरा गोल में सिलाई करके फिर आगे के साइड मोड़ के थोड़ा सा फिर सिलाई कर लेंगे। फिर मैंने ये 1.25 इंच की कटिंग की है, उस पर मैं अस्तर भी है और नेट भी। फिर किनारे किनारे मैंने लेस लगा के ऐसी 2 पट्टियाँ बना ली हैं। देखिए ये 2 पट्टियाँ बना ली है। दोनों पट्टियों को फिर एक के ऊपर रख के थोड़ा सा मैं सिलाई करूँगी आगे के पोर्शन में, जो लड्डू गोपाल के आगे का पोर्शन रहेगा उस पर सिलाई ये आएगा। फिर ये किनारे में नीचे जिस साइड से मैंने सिलाई की है उसी साइड से नीचे में जॉइंट करते हुए ये पट्टी की तरह सिल देंगे। देखिए सिलने के बाद। और फिर मैंने एक गैप छोड़ा था एक लाइन का, वो इसलिए छोड़ा था दोस्तों कि मैं सिलाई भी की और ग्लू गन से चिपकाई भी। ये दोनों ऑप्शन मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको जो ईजी पड़े वो कर लीजिए। करने के बाद फिर मैं मोती लेके एक एक फ्लावर के ऊपर चिपका दिया है। आपके पास ऑप्शन है, जो भी आप जैसे जिस तरीके से डेकोरेट करना चाहिए। ये मेन बेस है, इस पे फ्लावर
छोटे छोटे मोती भी लगा सकते हैं, छोटे छोटे जो कली टाइप की आती हैं वो बूटी लगा सकते हैं, छोटे छोटे फ्लावर लगा सकते हैं, कागज़ के फ्लावर आते हैं, थर्माकोल के फ्लावर आते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे जो आपके पास है वो आप लगा लीजिए। देखिए अगर ड्रेस पसंद आया तो बताइएगा, कमेंट करिएगा। राधे कृष्णा।